देखो यार, Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस के लिए परफेक्ट iOS 16 का थीम चाहिए। ये थीम ट्राई करो, अप्लाई करने के बाद सभी कुछ फ़ोन में चेंज हो जाएगा, जैसे कि गूगल का फोल्डर का आइकन्स, सभी आइकन्स परफेक्टली चेंज होने वाला है, होम स्क्रीन और टूल्स का फोल्डर का भी आइकन्स चेंज हो जाएगा। आइकन पैक iOS इंस्पायर्ड है, एक दो आइकन्स मिसिंग देखने मिलता तब भी काफ़ी अच्छा आइकन पैक देखने मिल जाएगा। वॉलपेपर बजट भी iOS इंस्पायर्ड देखने मिलता। कंट्रोल सेंटर एमआई वेट 12.5, 13, 14 सभी में चेंज हो जाएगा, तो ट्राई करके देखो, अच्छा नया रिफ्रेशिंग लुक देखने को मिलने वाला अप्लाई करने के बाद। सेटिंग्स में भी न्यू टैब का लुक देखने को मिल जाता है, न्यू टैब का टॉगल्स देखने को मिलेगा, कलरफुल टॉगल्स iOS से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है, कंप्लीट iOS का ये थीम नहीं है, मतलब कंप्लीट लुक इंस्पायर्ड नहीं देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन इधर उधर देखने को मिल जाएगा, बट जो भी मॉडिफिकेशन है काफ़ी अच्छा चेंजेस के साथ किया गया मॉडिफिकेशन। और अगर जाओगे बाकी जैसे कि अबाउट फोन में, तो अबाउट फोन में चेंजेस होना चाहिए था बट चेंजेस नहीं होता है, जैसे कि बाकी डिटेल इन्फो एंड स्पेक्स में जाने के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएगा, और डिस्प्ले में भी जो चेंजेस देखने को मिलना चाहिए बट उतना चेंजेस नहीं होता, बस खाली जो सेपरेशन है वो आपको कुछ नया डिफरेंट लुक के साथ देखने को मिल जाएगा, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में भी वही सिमिलर जो है थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है, और बाकी आपका बचता है एडिशनल सेटिंग्स में। एडिशनल सेटिंग्स में भी चेंजेस आपका सेपरेशन में देखने को मिलता है, बाकी सब एज इट इज़ जैसा आपका था वैसे ही है, और आपको एक भी टॉगल्स में मिसिंग नहीं देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। सेटिंग्स परफेक्टली लुक के साथ देखने को मिल जाएगा, और डायलर मैसेजेस ऐप और वॉल्यूम स्लाइडर में ना के बराबर चेंज हुआ है, अगर आपका गूगल डायलर मैसेजेस ऐप है तो चेंज होगा नहीं, और परफेक्ट आपको लुक होम स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। और बचता है आपका लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन के साथ देखने को मिलता है, जो कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसका वॉलपेपर और फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का कलर। तो अगर आपको करना है, आपको बस सिंपली नेविगेशन जेस्चर बार में डबल टैप करना है, फिर आपको चार वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलता है, वॉलपेपर 1, 2, 3, 4, तो जो भी आपको पसंद है उसको टैप कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, फिर आपको देखने को मिलता है डेप्थ इफेक्ट वॉलपेपर, जो कि अपने हिसाब से जो है एक PNG और JPEG फाइल को जो कटआउट करके यूज़ कर सकते हैं डेप्थ इफेक्ट वॉलपेपर में। तो बस उसका आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा और जाके आपको जो है पेस्ट करना होगा, तो फिर आपको जो हो जाएगा आपका काम। और फिर लास्ट में आपका कस्टम वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि अपने हिसाब से वॉलपेपर उसमें भी ऐड कर सकते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है। लॉक स्क्रीन भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये डाउनलोड मारना है, इसके लिए आपको सर्च करना होगा थीम स्टोर में जाके AP अकीनो, जैसे आप सर्च कीजिए AP अकीनो, आपको ये थीम मिल जाएगा। सर्च कीजिए AP अकीनो, AP स्पेस मतलब अंडरस्कोर AKINO, सर्च कीजिए AP अकीनो, आपको ये थीम मिल जाएगा। अच्छा थीम है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के साथ देखने को मिलता है, ट्राई कर सकते हैं, बस सर्च करना आपको AP अकीनो। आई होप आपको ये थीम मिल गया होगा, थीम मिल गया है। वीडियो अच्छा लगा तो चाहो यार थोड़ा सा प्यार दिखाओ वीडियो में, लाइक 130 रखते कंप्लीट कर दो झट से, और वीडियो को शेयर करो, कुछ पूछना नीचे कमेंट करो, चैनल को जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो, कुछ सजेस्ट भी करना तो यार कमेंट कर सकते हो, हाय भी लिख के भेज सकते हो, और वीडियो को शेयर कर दो, कुछ पूछना नीचे कमेंट कर दो, शेयर करती होगा यो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।